राजधानी शहर में शातिर वाहन चोर पूरी तरह से सक्रिय हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बखूबी के साथ वाहनों की चोरी करने वाला चोर आखिरकार क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने शातिर चोर से तकरीबन 11 वाहन जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नागपुर के अलग अलग मार्केट और परिसर से बड़ी ही शातिर तरीके से वाहन चोरी करने वाले चोर ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। चोर इस तरह वाहनों की चोरी करता था जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगती थी। दरअसल चोर वाहनों की चोरी करने के बाद उस वाहन को किसी परिचित व्यक्ति को कम पैसे में बेच देता था, या यूं कहें कि कुछ नकद राशि लेकर वाहन को गिरवी भी रखता था। चोर ने अब तक तकरीबन सकरधरा, हुडकेश्वर, कोतवाली, वाठोड़ा, मानकापुर तहसील क्षेत्र से कुल मिलाकर 11 वाहनों की चोरी की है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी का नाम सोनू गुप्ता बहादुरा ग्राम पंचायत का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू गुप्ता बेरोजगारी के चलते चोरी के कामों को अंजाम देता था। इस पूरी घटना के बारे में क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के गणेश जामदार इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। बरोबर आहे, आज नागपूर शहर येथील गुन्हे शाखा युनिट 4 आमच्या पथकाने माननीय DCP गुन्हे शाखा श्री चिन्मय पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्याकडून 11 वाहने 2-व्हीलर जप्त केलेले आहेत। त्यामध्ये सक्करदरा पोलीस स्टेशन अंतर्गत 2, हुडकेश्वर अंतर्गत 3, कोतवाली अंतर्गत 3 आणि वाठोडा, मानकापूर आणि तहसील पोलीस स्टेशन अंतर्गत 1-1 असे एकूण 11 वाहने आम्ही जप्त केलेली आहेत। पुढील कारवाई करीत आहोत। आरोपीचं नाव आहे सोनू भोलाराम गुप्ता। तो बहादुरा ग्रामपंचायतच्या पाठीमागे राहतो। त्याला सध्या कामधंदा नसल्यामुळे प्रारंभिक चौकशीमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की त्याला सध्या कामधंदा नसल्यामुळे तो मोपेड गाड्या, विशेषतः त्या गाड्या चोरून नेऊन त्या लोकांना खोटं सांगून विकायचा, त्याच्याकडून आपण रिकवर केलेले आहेत। गौरतलब रहे की आए दिन शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी ये कारण सामने आ रहा है। यदि प्रशासन सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा दे तो आरोपी कतई चोरी जैसा काम नहीं करेंगे, या यूं कहा जाए कि चोरी जैसे कामों का ग्राफ कम रहेगा। इस पापी पेट के सामने में जब पैसा या रोजगार नहीं होता है तो क्राइम करना, यही युवाओं के पास काम होता है। सरकार इस ओर ध्यान दे, यही समय की मांग है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज।